अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अदील इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। मुझे बहुत से लोगों ने रॉकेट साइंस के बारे में पूछा, तो आज मैं रॉकेट साइंस पर एक वीडियो बना रहा हूं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि रॉकेट के पीछे फिजिक्स के कौन से कुलिए कारफर्मा होते हैं, काम कर रहे होते हैं। इसके साथ साथ हम रॉकेट के फ्यूल को भी पढ़ेंगे और ये भी देखेंगे कि रॉकेट वापस ज़मीन पर कैसे आता है। तो सबसे पहले रॉकेट साइंस के लिए ज़रूरी है कि आपको टॉम एंड जेरी के कार्टून के बारे में पता हो। मैं बचपन में जब भी ये कार्टून देखता था तो मुझे अंदाज़ा होता था कि हमेशा बॉम्ब टॉम के हाथ में फटेगा, बिल्ली के हाथ में फटेगा। और बॉम्ब में हमेशा एक काले रंग का पाउडर होता है जिसे हम गन पाउडर कहते हैं। आज हम इस गन पाउडर से अपनी बात शुरू करने जा रहे हैं, क्योंकि यही गन पाउडर पुराने ज़माने में तोपों में इस्तेमाल होता था। आप देख सकते हैं कि इस गोले को तोप से फायर करने के लिए बीच में गन पाउडर भरा गया, और गन पाउडर एक फ्यूल के तौर पे काम करता था जिसे आग लगाई जाती थी और बहुत बड़ा एक्सप्लोजन होता था। उससे गैसेस प्रोड्यूस होती थी और उन गैसेस के प्रेशर की वजह से ये गोला दूर जाके गिरता था, और उसकी वजह उस गोले का मोमेंटम था। किसी भी चीज में कितना मोशन है इसको मोमेंटम बताता है। मोमेंटम का फॉर्मूला मैंने आप दिखा दिया है, P is equal to mv। इसका मतलब यह है कि अगर किसी का मास जीरो है तो उसका मोमेंटम जीरो होगा, और अगर किसी की वेलोसिटी जीरो है तो भी उसका मोमेंटम जीरो होगा। रेस्ट में खड़ी हुई चीज का मोमेंटम जीरो होगा। और आप यहां पर देख सकते हैं कि दो गाड़ियां आपस में टकरा रही हैं और एक गाड़ी, दोनों का मोमेंटम मैंने आपको यहां पर दिखाया है। ट्रक का मोमेंटम ज्यादा है, गाड़ी का कम है, तो गाड़ी टक्कर खा के दूसरी तरफ जाती है, उसका मोमेंटम नेगेटिव हो जाता है। इसी तरीके से आप आंटी को भी देख सकते हैं, वो भी बहुत जोर से नीचे गिरती है, उसकी वजह से उनका मोमेंटम कम था। आप इस रॉक को देख सकते हैं, इसका मोमेंटम बहुत ज़्यादा है क्योंकि इसका मास ज़्यादा है, और बज़ाहिर लग रहा है कि इसकी वेलोसिटी भी इस आदमी से ज़्यादा है। तो मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कंजर्व होता है। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हमें यह बताता है कि कोई भी आइसोलेटेड सिस्टम है उसका मोमेंटम हमेशा कॉन्स्टेंट रहेगा, वक्त के साथ साथ उसके मोमेंटम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मैं आपको यही एग्जाम्पल दिखाऊंगा, इस तोप से जब ये तोप फायर करेगी तो इसका गोला आगे की तरफ जाएगा, उसका मोमेंटम आगे की तरफ होगा, लेकिन तोप को एक झटका लगेगा पीछे की तरफ तो उसका मोमेंटम दूसरी साइड पर, नेगेटिव साइड पर होगा। हम ये भी जानते हैं कि हमारी कायनात एक आइसोलेटेड सिस्टम है, उसका मतलब ये है कि हमारी कायनात में चार चीज़ें कंजर्व हैं, चार लॉ ऑफ कंजर्वेशन होल्ड करते हैं। नंबर वन एनर्जी कंजर्व है, नंबर टू लीनियर मोमेंटम कंजर्व है, नंबर थ्री एंगुलर मोमेंटम कंजर्व है, और नंबर फोर इलेक्ट्रिक चार्ज कंजर्व है। तो ये चार चीज़ें हमारी कायनात में कंजर्व हैं, और अगर हम अपनी दुनिया को एक आइसोलेटेड सिस्टम के तौर पर लें तो हम ये जानेंगे कि जब भी कोई तोप गोला फायर करेगी तो उसका गोला आगे की तरफ जाएगा और वो तोप पीछे की तरफ जाएगी, क्योंकि हमें कवानीन बताते हैं कि मोमेंटम एक आइसोलेटेड सिस्टम में हमेशा कांस्टेंट है। तो अगर एक चीज़ का मोमेंटम पॉजिटिव है तो उसी लिहाज से दूसरी चीज़ का मोमेंटम नेगेटिव भी होगा, ताकि ओवरऑल सिस्टम का मोमेंटम कांस्टेंट रह सके। जब भी हम बंदूक चलाते हैं तो हमें एक झटका लगता है पीछे की तरफ, और इस इफेक्ट को कहा जाता है कि ये रिकॉयल इफेक्ट है, क्योंकि उससे निकलने वाली गोली का मोमेंटम आगे की तरफ है और बंदूक पीछे की तरफ जाती है, तो इस इफेक्ट को रिकॉल इफेक्ट कहते हैं। इसका मतलब यह है कि अगर एक तोप को मैं टेढ़ा कर लूं और उसे चलाऊं तो उसमें एक्सप्लोजन होगा, गैसेस नीचे की तरफ निकलेंगे और वो तोप ऊपर की तरफ जाएगी, और अगर ये एक्सप्लोजन होता रहे तो तोप आहिस्ता आहिस्ता कैनन ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगी, बिल्कुल ऐसे जैसे मिसाइल जाता है। तो आपने देखा कि मिसाइल का जो बेसिक प्रिंसिपल है वो इस तोप से हमें मिल रहा है। फ्यूल को कंबस्ट करें, जलाएं और कॉन्टिन्यूसली उसमें कंबस्टन होती रहे तो आहिस्ता आहिस्ता रॉकेट ऊपर की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो मोशन का एक सिंपल सा असूल है, और वो असूल ये है कि आप प्रेशर क्रिएट करें, अगर हम नीचे की तरफ प्रेशर क्रिएट करेंगे तो मूवमेंट ऊपर की तरफ होगी, अगर आप बाईं तरफ प्रेशर क्रिएट करेंगे तो दाईं तरफ मूवमेंट होगी। इस गुब्बारे से देख रहे हैं, जैसे हम इसको छोड़ते हैं इसमें हवा भरी हुई है, प्रेशराइज हवा है, तो हवा पीछे की तरफ प्रेशर क्रिएट करेगी, आगे की तरफ जाएगा। इसी तरीके से इस आंटी को देखें जो फ्रेम से फौरन गायब हो जाएंगी, क्योंकि इन्होंने एक प्रेशराइज सिलेंडर पकड़ा है और जैसे इन्होंने उसको चलाया तो प्रेशर की वजह से ये उसके अपोजिट साइड पर मूव की। इसी तरीके से इस रॉकेट को देखिए, ये दोनों रॉकेट्स, इनमें पानी प्रेशर के साथ भरा हुआ है, तो जैसे ही वो प्रेशर डिस्चार्ज हुआ निकला तो प्रेशर के अपोजिट साइड पर आपको मोशन मिलता है। इस फोर्स को हम थ्रस्ट कहते हैं, थ्रस्ट उसको ऊपर लेके जाते हैं। तो मैं आपको यहां पर न्यूटन्स के तीनों लॉज बताऊंगा और आप देखेंगे कि
कि कैसे वो रॉकेट साइंस में इस्तेमाल होते हैं। तो पहला लॉ ये कहता है कि अगर हमने रॉकेट को ऊपर लेके जाना है तो उसे एक फोर्स की ज़रूरत है जो उसके वेट से ज़्यादा हो, तभी वो ऊपर एक्सेलरेट कर सकेगा। क्योंकि अगर ये दोनों फोर्सेस बराबर होंगी तो वो एक्सेलरेट नहीं करेगा। दूसरा लॉ न्यूटन का ये कहता है कि उसकी एक्सेलरेशन इस चीज़ पर भी डिपेंड करेगी कि अगर हमने उसे कॉन्स्टेंट एक्सेलरेशन पर रखना है तो उस रॉकेट में आप मास कितना इस्तेमाल कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप मास कम इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे कम थ्रस्ट की फोर्स चाहिए ऊपर जाने के लिए। लेकिन अगर आप मास ज़्यादा इस्तेमाल कर रहे हैं, बहुत भारी भरकम रॉकेट आपने बना दिया, तो अब आपको बहुत ज़्यादा फोर्स चाहिए उसे ऊपर भेजने के लिए। फोर्स का ज़्यादा होने का मतलब यह है कि उसे फ्यूल, बड़ा एफिशिएंट फ्यूल चाहिए, ज़्यादा फ्यूल चाहिए ताकि वो ऊपर जा सके। और जब हम इस फ्यूल को जलाएंगे तो इस फ्यूल से एक्सप्लोजन्स होंगे, उसमें से फ्लू गैसेस निकलेंगी जो कि प्रेशर एग्जर्ट करेंगी नीचे की तरफ। और उसके रिएक्शन में न्यूटन का थर्ड लॉ कहता है कि हर एक्शन का एक रिवर्स रिएक्शन होता है, तो उसके रिएक्शन में मोशन रॉकेट का ऊपर की तरफ होगा, जो कि मैंने आपको पिछली एग्जांपल्स में भी दिखाया। तो आप देख सकते हैं कि किस तरीके से न्यूटन्स के तीनों लॉ रॉकेट साइंस में काम कर रहे होते हैं। अब हमने ये देखना है कि ये तमाम कंबस्चन हम कैसे दे सकते हैं, कैसे कॉन्टीन्यूसली हम एक्सप्लोजन्स करवा सकते हैं रॉकेट के अंदर, और उसके लिए हम इस्तेमाल करेंगे इंजन्स। यहां पर मैं आपको एक इंजन दिखा रहा हूं जिसमें फ्यूल आता है, जिसमें प्रेशराइज्ड एयर आती है, और वो इनको जलाकर फ्लू गैसेस प्रोड्यूस करता है और उसकी मदद से काम लिया जाता है। ऐसे इंजन आपको जहाज में भी नजर आएंगे। तो आप जहाज के जेट इंजन को देखें जो थ्रस्ट प्रोड्यूस कर रहा है उड़ने के लिए, और वह थ्रस्ट ये कैसे प्रोड्यूस कर रहे हैं, ये एयर ले रहा है और फिर फ्यूल जहाज के अंदर मौजूद होता है, इन दोनों को मिक्स करके जलाया जाता है, और हमारे पास जो फ्लू गैसेस प्रोड्यूस होती हैं वो बहुत ज़्यादा हॉट होती हैं, उनका बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, बहुत टेम्परेचर होता है, और उनसे हम टर्बाइन के व्हील्स को घुमाते हैं और उसके ज़रिए हम काम लेते हैं। लेकिन यहाँ पर एक मसला है, क्या रॉकेट्स में हम जेट इंजन इस्तेमाल कर सकते हैं? नहीं, क्योंकि रॉकेट्स ने तो स्पेस में जाना है और स्पेस में हवा नहीं होती, तो जेट इंजन कैसे काम करेंगे? उसके लिए तो हमें कुछ और करना पड़ेगा। हमें रॉकेट के अंदर ही ऑक्सीजन भी रखनी पड़ेगी, हमें रॉकेट के अंदर ही फ्यूल को भी रखना पड़ेगा। और यहाँ पर हम ये वर्ड यूज़ करेंगे प्रोपेलेंट, जिसकी डेफिनेशन मैंने आपको दे दी है। एक ऐसा केमिकल सब्सटेंस होता है, चाहे वो गैस भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, जो कि फ्यूल के तौर पर काम करता है। अगर आप गन पाउडर को देखें तो गन पाउडर में पोटाशियम नाइट्रेट, ये एक ऑक्सीडाइजर के तौर पर काम कर रहा होता है। इसे जब हम जलाते हैं, गन पाउडर को जलाते हैं, गन पाउडर में चारकोल भी होता है, 15% 10% सल्फर होता है, और 75% इसमें पोटेशियम नाइट्रेट होता है। तो पोटेशियम नाइट्रेट ऑन कंबस्टन, कंबस्टन के बाद ऑक्सीजन देता है, तो ऑक्सीजन इसे खुद ब खुद मिल जाती है, हमें अलग ऑक्सीजन देने की ज़रूरत नहीं है गन पाउडर को जलाने के लिए। ये एक ऐसा फ्यूल है, एक ऐसी फैमिली ऑफ फ्यूल है जो कि अपनी ऑक्सीजन खुद प्रोड्यूस करती है। कंबस्टन का एफिशिएंट होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं आपको इस कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मसलन मेरे पास एक मीथेन का बर्नर है और उसके साथ, और मैं उसे आग लगाता हूँ। अब ऑक्सीजन मेरे पास एक मॉलिक्यूल है O2, और मेरे पास नीचे मीथेन का मॉलिक्यूल है। जब ये दोनों रिएक्ट करेंगे, क्योंकि आग एक रिएक्शन है, आग ऑक्सीजन और मीथेन को जलाएगी, तो मेरे पास कैसी कंबस्टन होगी? मसलन हम देख लेते हैं कि हमारे पास क्या बनेगा। हमारे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल बनेगा जिसमें कार्बन यूज हो गया और दोनों ऑक्सीजन के एटम यूज हो गए। अब हमारे पास पीछे रह गए 4 हाइड्रोजन के एटम। तो क्या ये एक एफिशिएंट कंबस्टन है? ये एफिशिएंट कंबस्टन तो नहीं है, इसमें तो हमारे इनपुट्स पूरी यूज ही नहीं हुई आउटपुट बनाने के लिए। अब क्या किया जाए? चले मैं ये करता हूं कि मैं 2 ऑक्सीजन के एटम्स ले लेता हूं। चले मैं ये करता हूं कि मैं 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स ले लेता हूं, और अब मैं कंबस्टन करता हूं। तो 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल जब एक मीथेन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेंगे तो मेरे पास एक कार्बन डाइऑक्साइड का मॉलिक्यूल आएगा और 2 वाटर के मॉलिक्यूल आएंगे। तो अब आप देखें कि 4 हाइड्रोजन पूरे हो गए, 2 ऑक्सीजन इधर और 2 ऑक्सीजन इधर, 4 ऑक्सीजन के आइटम पूरे हो गए और कार्बन का एक आइटम पूरा हो गया। इसे कहते हैं कि ये बेहतरीन कंबस्टन है, एफिशिएंट कंबस्टन है, क्योंकि हमारे पास इनपुट और आउटपुट में टोटल नंबर ऑफ एटम्स एक जैसे हैं। एफिशिएंट कैसे हैं? साइंसदानों ने इस पर एक्सपेरिमेंट किए, उन्होंने रॉकेट्स लिए ज़मीन पर और उन रॉकेट्स में मीथेन की बहुत ज़्यादा मिकदार रखी और थोड़ी सी मिकदार ऑक्सीजन के रख के उसको चलाने की कोशिश की, तो रॉकेट बिल्कुल ही ऊपर नहीं गया।
फिर उन्होंने ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स की मिकदार ज्यादा रखी और मीथेन की कम रखी और फिर उसको चलाने की कोशिश की तो वो थोड़ी दूर जाकर 4 फुट 5 फुट के फासले पर जाकर गिर गया। छोटे रॉकेट की बात हो रही है, बच्चों के जो रॉकेट होते हैं। और फिर उन्होंने मीथेन और हर मीथेन के मॉलिक्यूल के लिए 2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल की रेशियो रख के जब उसी रॉकेट को चलाया तो वो रॉकेट तकरीबन 12-14 फुट दूर जाके गिरा। तो आप देख सकते हैं कि ये बहुत ज़्यादा एफिशिएंट फ्यूल है और इस तरीके से अगर एफिशिएंट कंबस्शन हम करेंगे तो हमारा रॉकेट ज़्यादा अरसे तक चलेगा। मैं आपको बता चुका हूँ कि कुछ ऐसे फ्यूल्स होते हैं जिनमें ऑक्सीजन कंबस्शन के दौरान प्रोड्यूस होती है, उनको किसी ऑक्सीडाइजर के साथ मिक्स करने की ज़रूरत नहीं होती। और अगर हमने ये फ्यूल और ऑक्सीडाइजर का बैलेंस सही रखा तो बहुत अच्छी कंबस्शन होगी। इसी किस्म का एक एक्सपेरिमेंट मैं आपको बताता हूँ। बहुत अरसे पहले एक साइंसदान ने गलती से एक करेंसी के नोट को नाइट्रिक एसिड और सल्फ्यूरिक एसिड में गलती से भिगो दिया और जब उसने उसको जलाया तो वो बहुत ज़बरदस्त जला, उससे बहुत ज़्यादा हीट प्रोड्यूस हुई, बहुत ज़्यादा प्रेशर प्रोड्यूस हुए। उसने इसका नाम रखा निट्रो सेलुलोस। और निट्रो सेलुलोस मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कितनी तेज़ी से आग पकड़ता है और कितना अच्छा फ्यूल है, क्योंकि ये बहुत अच्छी कंबस्शन हमें देता है, बहुत एफिशिएंट कंबस्शन हमें देता है। हम रॉकेट्स में निट्रो सेलुलोस को भी इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके साथ साथ रॉकेट में जब भी हम फ्यूल और एयर को यूज़ करते हैं या ऑक्सीडाइजर को यूज़ करते हैं तो ऑक्सीडाइजर को अंडर प्रेशर रखा जाता है, क्योंकि ऑक्सीडाइजर अगर अंडर प्रेशर हो, वो मैं आगे भी आपको बताऊंगा, तो वो बहुत अच्छी कंबस्शन हमें देता है। एक रॉकेट पर कई किस्म की फोर्सेज एक्ट कर रही होती हैं। रॉकेट का वेट नीचे की तरफ कर रहा होता है, थ्रस्ट जो कि फ्लू गैसेस की वजह से वो ऊपर एक्ट कर रही होती है, इसी तरीके से हवा की वजह से भी उस पर मुख्तलिफ लिफ्ट की फोर्स, ड्रैग की फोर्स एग्जर्ट हो रही होती है। रॉकेट को स्टेबल बनाने के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल चैलेंजेस का सामना होता है, क्योंकि अगर रॉकेट पर एक भी फोर्स ऐसी रह गई जिसे हमने पहले से फोर्स ही नहीं किया तो रॉकेट स्पेस तक नहीं पहुंचेगा। तो रॉकेट या तो स्टेबल हो सकता है, जिस तरीके से आप देखेंगे हम रॉकेट को स्टेबल बनाते हैं, अगर आप एक छड़ी को अपने हाथ पर स्टेबल बनाने की कोशिश करते हैं तो आपको हर वक्त उसको कंट्रोल करना पड़ता है, उसके साथ साथ घूमना पड़ता है। इसी तरीके से रॉकेट को स्टेबल बनाने के लिए हर वक्त उसकी मॉनिटरिंग और उसका कंट्रोल करना पड़ता है, मुख्तलिफ पैरामीटर्स को और चीज़ों को चेंज करना पड़ता है। मसलन हम सबसे बड़े रॉकेट की बात करते हैं, Saturn V जो कि चांद पर भेजा गया, और ये रॉकेट 36 मंजिला इमारत के बराबर था। 3000 टन इसका वजन था और इसमें जो फ्यूल की कंबस्शन थी वो 50 टन पर सेकंड थी। 5 इंजन थे, आपको मैं यहाँ पर 5 इंजन दिखा रहा हूँ, आप देख सकते हैं ये नोजल्स हैं जो बड़ी बड़ी, ये 5 इंजन थे जो कि इस रॉकेट को लेके गए, और इसके बाद इससे बड़ा रॉकेट हमने नहीं बनाया। लेकिन जब भी हम रॉकेट के इंजन को बनाते हैं तो स्टेबलाइजेशन देने के लिए, क्योंकि एक भी फोर्स अगर इस पर अनबैलेंस लग गई तो फिर रॉकेट अपवर्ड मोशन नहीं लेगा, वो साइड वाइज जाना शुरू हो जाएगा, वो दाईं साइड लेफ्ट साइड पर जाना शुरू हो जाएगा। तो इसलिए इसका जो इंजन होता है आप देख सकते हैं उसमें फ्लेक्सिबिलिटी होती है, वो फ्लू गैसेस के एंगल को चेंज कर सकता है, वो लेफ्ट कर सकता है, वो राइट कर सकता है, वो अपनी डायरेक्शन को कंट्रोल कर रहा है। तो आप देख सकते हैं कि इंजन के जो वेंट है उसकी डायरेक्शन से आप रॉकेट के डायरेक्शन को चेंज कर सकते हैं। मैं आपको एक छोटे से एग्जांपल से इस बात को समझाने की कोशिश करता हूं कि मेरे पास एक पेपर प्लेन है और मेरे पास एक क्लिप भी है, पेपर क्लिप भी है, आप देख सकते हैं ये पेपर क्लिप है। तो अगर मैं इस पेपर क्लिप को यहां पर लगाऊंगा, बिल्कुल इसके शुरू में लगाऊंगा, और आप इस प्लेन को उड़ाने की कोशिश करेंगे, ये प्लेन कभी नहीं उड़ेगा। आप चाहे तो इसको एक्सपेरिमेंट के तौर पर देख सकते हैं। और यही क्लिप अगर आप इसकी दूसरी एंड पर ग्रीन एरो के सामने लगाएंगे और फिर इसको उड़ाने की कोशिश करेंगे तो ये काफ़ी ज़्यादा स्टेबल होकर उड़ेगा। और इसकी साइंटिफिक वजह है, उसकी वजह यह है कि हमारे पास 2 टर्म्स होती हैं, एक सेंटर ऑफ मास होती है और एक सेंटर ऑफ प्रेशर होती है। सेंटर ऑफ मास के बारे में आप जानते हैं कि सेंटर ऑफ मास सेंटर ऑफ ग्रेविटी भी होता है, और सेंटर ऑफ प्रेशर डिपेंड करता है कि रॉकेट की शेप कैसी है और उस पर एयर कितना फोर्स लगा रही है, एयर कितना प्रेशर एग्जर्ट कर रही है। तो सेंटर ऑफ प्रेशर अगर ऊपर की तरफ है और सेंटर ऑफ ग्रेविटी या सेंटर ऑफ मास इस रॉकेट का नीचे है तो ये रॉकेट कभी भी स्टेबल फ्लाइट नहीं लेगा, ये ऊपर की तरफ नहीं जाएगा, बल्कि जब एयर आएगी तो ये अनस्टेबल हो जाएगा, कभी इधर जाना शुरू हो जाएगा, कभी उधर जाना शुरू हो जाएगा, ऐसा हमें एक्सपेरिमेंट्स बताते हैं। इसी तरीके से एक स्टेबल रॉकेट बनाने के लिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऊपर होना चाहिए और सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे होना चाहिए। मैं आपके इसकी एग्जाम्पल देता हूँ कि जब आप वेदर वेन्स देखते हैं जो आपको हवा का डायरेक्शन बताते हैं,
तो वो ऐसा स्ट्रक्चर होता है जिसका सेंटर ऑफ मास ऊपर की तरफ होता है, यानी सामने एरो जिस तरफ से एयर आ रही है, और सेंटर ऑफ प्रेशर पीछे की तरफ होता है। तो इसलिए ये एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, ये घूम जाता है। हवा जब इस पर पड़ती है, आप देखें ये हवा की डायरेक्शन देनी है तो ये घूम जाएगा, मूव करना शुरू कर देगा। लेकिन क्या अपना रॉकेट आप ऐसा चाहेंगे कि जब भी हवा किसी तरफ से एक्ट करे तो इस तरह घूमना शुरू कर दे? हम तो नहीं चाहते। इसलिए उसका सेंटर ऑफ मास हमेशा उसकी नोक की तरफ, उसके हेड की तरफ होना चाहिए, और उसका सेंटर ऑफ प्रेशर हमेशा नीचे की तरफ होना चाहिए। और सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे की तरफ लाया कैसे जा सकता है, उसके लिए हम कोशिश करते हैं कि उसके स्ट्रक्चर को अल्टर किया जाए। और उसके स्ट्रक्चर को अल्टर करने के लिए हम फिन्स लगाते हैं। ये छोटे छोटे पर देख रहे हैं नीचे, इन्हें फिन्स कहा जाता है। इनकी मदद से जब हम इन्हें इस्तेमाल करते हैं तो एक तो ये सेंटर ऑफ प्रेशर नीचे आ जाता है तो रॉकेट काफ़ी ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, और उसकी एक वजह यह भी है कि ये फिन्स भी मूव करते हैं, ये अपनी डायरेक्शन भी चेंज करते हैं। हमारे पास जहाज़ में भी इस किस्म के फिन्स लगे होते हैं जिन्हें रडर्स कहा जाता है। ये आप पीछे अगर इस देखें ना जहाज़ के, तो यहाँ पर आपको एक रडर नज़र आ रहा है जो कि मूव करता है, जो कि फ्लेक्सिबल है और हवा की तरह अपनी डायरेक्शन भी बदल रहा है हवा को देखकर, और उससे आप जहाज़ की डायरेक्शन को बदल सकते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से हम रॉकेट के पीछे फिन्स लगाते हैं, और ये फिन्स भी फ्लेक्सिबल होते हैं जो कि अपनी डायरेक्शन को बदल लेते हैं, और इनसे हम इस रॉकेट की डायरेक्शन को हमेशा कंट्रोल कर रहे होते हैं, और हम ये मेक श्योर कर रहे होते हैं कि रॉकेट किसी एक तरफ को टिल्ट ना हो पाए। आपको मैंने यहाँ पर फिन्स की मुख्तलिफ डिज़ाइंस दिखा दी, आप इन पर फर्दर भी रिसर्च कर सकते हैं। अब हम दोबारा आते हैं रॉकेट के फ्यूल की तरफ। तो रॉकेट का फ्यूल तीन किस्म का होता है। सबसे पहले लिक्विड फ्यूल होता है। मैं आपको ये बता चुका हूँ कि रॉकेट का ऑक्सीडाइजर भी उसके अंदर होता है, यानी जो उसको ऑक्सीजन देता है कंबस्टन के प्रोसेस को, उसका फ्यूल भी अंदर होता है, और उसका इंजन यहाँ पर होता है जिसमें ये दोनों चीज़ें आती हैं और फिर इग्नाइट होती हैं और प्रेशराइज फ्लू गैसेस नीचे की तरफ निकलती हैं जिससे रॉकेट आगे की तरफ मूव करता है। उसके साथ उसकी ऑक्सीलरी असेंबलीज भी होती हैं, पंप वगैरह लगे होते हैं। तो आप फ्यूल को देखें, यहाँ से फ्यूल आ रहा है, ऑक्सीडाइजर आ रहे हैं, और फिर हम इनको जलाते हैं, और जब जलाने के बाद फ्लू गैसेज को हम नीचे की तरफ, ये नोज़ल है, ये इंजन जो है इसके बाहर एक नोज़ल है, और इससे फ्लू गैसेज नीचे की तरफ प्रेशराइज निकलती हैं और हमें थ्रस्ट मिलती है, रॉकेट ऊपर की तरफ जाता है। लिक्विड फ्यूल बड़े बड़े रॉकेट्स में इस्तेमाल होता है, और उसका जो सबसे बड़ा फ़ायदा वो ये कि आप इसको बहुत जल्दी शट डाउन कर सकते हैं अगर आपको कोई भी एमरजेंसी हालत का सामना करना पड़ता है। फ्यूल के लिए सबसे पहले हम ऑक्सीडाइजर की तरफ चलते हैं। तो ऑक्सीडाइजर जो होते हैं, ऑक्सीजन की कंबस्टन एफिशिएंसी बहुत कम होती है। इसको बढ़ाने के लिए हमें इसे लिक्विड फॉर्म में लाना पड़ेगा, क्योंकि जब हम लिक्विड ऑक्सीजन को जलाएंगे तो वो बहुत अच्छी कंबस्टन एफिशिएंसी देती है, बहुत तेज़ी से जलती है, ज़्यादा टेम्परेचर और ज़्यादा प्रेशर देती है। और इसको लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए हमें बहुत कम टेम्परेचर्स पे लेके जाना पड़ता है, और उसके लिए हमें एडिशनली लिक्विड नाइट्रोजन लेके जानी पड़ती है, जिसमें हम लिक्विड ऑक्सीजन को रखेंगे तो ये लिक्विफाइड होगी और हमें लिक्विड ऑक्सीजन मिलेगी। तो इसका नुकसान एक तो ये है कि ये रूम टेम्परेचर पर हम इस्तेमाल नहीं कर सकते, और दूसरा ये कि हमें एडिशनली लिक्विड नाइट्रोजन लेके जानी पड़ेगी। लेकिन मैं आपको यहां पर दिखाता हूं कि जब लिक्विड ऑक्सीजन को हम जलाते हैं तो कंबसन किस तरीके से होती है। आप देख सकते हैं, आपको ऐसे लगता है जैसे हमने बीच में कोई फ्यूल स्पेशल किस्म का डाला हुआ है। तो आप देख रहे हैं कि यहां पर जब भी हमने इस ऑक्सीडाइजर को नॉर्मल फ्यूल के साथ यूज किया तो हमें बहुत अच्छी कंबसन मिली। रॉकेट्स में हम केरोसिन ऑयल भी यूज करते हैं जो हम छोटे रॉकेट्स बनाते हैं, लेकिन जब स्पेस में भेजते हैं तो हम लिक्विड हाइड्रोजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं एज अ फ्यूल। एक और किस्म का फ्यूल या प्रोपेलेंट को डिस्कस करते हैं, जिसे हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट कहा जाता है। बजाय ये कि हम अलग अलग ऑक्सीडाइजर और फ्यूल लेके जाने के, और फिर उनको हमें इग्नाइट करना पड़ता है, हमें रॉकेट में इग्निशन देना पड़ता है, हम क्यों ना कोई दो ऐसे केमिकल्स ले जाएं जो खुद जब मिलते हैं तो इग्निशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। मसलन हम नाइट्रोजन टेट्राऑक्साइड की बात कर लेते हैं, जब उसे हाइड्रोजन के साथ मिक्स किया जाता है तो हमें एक एक्सप्लोजन मिलता है। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि जब दो हाइपरगोलिक लिक्विड्स को मिलाया जा रहा है, ये कतरा है जस्ट, तो जैसे ही इसके अंदर गिनेगा तो आप देखिए कैसे एक एक्सप्लोजन होगा और हमें ऑटोमेटिक कंबस्टन मिलेगी, अब हमें इग्निशन की ज़रूरत नहीं है। तो ऐसे हाइपरगोलिक प्रोपेलेंट्स भी इस्तेमाल किए जाते हैं। दूसरी किस्म का फ्यूल सॉलिड फ्यूल होता है। मैं यहाँ पर आपको अमोनियम परक्लोरेट, इसके सॉलिड फ्यूल, इनको देखें तो आपको राउंड बार्स लगेंगी, लेकिन आप इस तरफ देखें तो यहाँ पर लिक्विड फ्यूल है, यहाँ पर लिक्विड प्रोपेलेंट है, और ये इंजन में आके कंबस्टन कर रहे हैं। लेकिन जब सॉलिड फ्यूल की हम बात कर रहे हैं तो ये एक मोटर होती है, इसे कहा जाता है मोटर। ये मोटर घूमने वाली नहीं होती, लेकिन इसके अंदर आपका पूरा प्रोपेलेंट होता है, और फिर उसे इग्नाइट करना पड़ता है, और उसको इग्निशन के बाद हमें
फ्लू गैसेस मिलती हैं। तो यहां पर आपके सॉलिड प्रोपेलेंट है, यहां पर आपके पास लिक्विड प्रोपेलेंट है। और तीसरी किस्म का प्रोपेलेंट होता है हाइब्रिड। मसलन आपके पास लिक्विड ऑक्सीडाइजर है और आपके पास सॉलिड फ्यूल है, तो ये एक किस्म का हाइब्रिड फ्यूल प्रोपेलेंट बन जाता है। इस कॉन्सेप्ट को मजीद एक्सप्लेन करने के लिए एक एक्सपेरिमेंट का रेफरेंस देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसका नाम है बार्किंग डॉग एक्सपेरिमेंट। और उसकी वजह यह कि जब भी हम इस एक्सपेरिमेंट को करते हैं तो जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है वो एक बार्किंग डॉग की, एक भौंकते हुए कुत्ते की जिस तरह आवाज़ होती है वैसी आवाज़ निकलती है। और इस एक्सपेरिमेंट में हम दो केमिकल्स को मिक्स करते हैं, पहला है कार्बन डाइसल्फाइड जो कि लिक्विड है, और दूसरा है नाइट्रस ऑक्साइड जो कि गैस है, ये ऑक्सीडेशन एलिमेंट है। इन दोनों के मिक्स होते एक एक्सोथर्मिक केमिकल रिएक्शन होता है, और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से हीट प्रोड्यूस होती है, किस तरीके से लाइट फ्लैश करती है। तो यहां पर आप एक हाइब्रिड फ्यूल का कॉन्सेप्ट देख रहे हैं। लिक्विड नाइट्रस ऑक्साइड की खास वजह जो हम उसको यूज करते हैं, उसकी वजह यह कि ये रूम टेम्परेचर पर, नाइट्रस ऑक्साइड की खास वजह यह है रॉकेट्स में इस्तेमाल करने की कि इसे रूम टेम्परेचर पर ही लिक्विफाई किया जा सकता है। आपको याद है कि ऑक्सीजन को बहुत ठंडा करना पड़ता था लिक्विड फॉर्म में लाने के लिए, लेकिन ये हमारे पास ऐसा केमिकल है जिसे हम रूम टेम्परेचर पर लिक्विफाई कर सकते हैं, इसलिए इसका हमें बहुत ज़्यादा फायदा है। और उसके साथ साथ जो फ्यूल इस्तेमाल होते हैं वो फ्यूल सॉलिड फ्यूल एक्रेलिक ट्यूब्स भी हो सकती हैं। मैं आपको यहाँ पर एक एक्रेलिक ट्यूब दिखाता हूँ जो कि आपको एक प्लास्टिक की पाइप लगेगी। जब इसे नाइट्रस ऑक्साइड की एनवायरनमेंट में जलाया जाता है तो आप देखें कि हमारे पास बहुत ज़बरदस्त कंबस्शन होती है और बहुत एफिशिएंट एक्सप्लोजन्स होते हैं। तो यूं आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको मुख्तलिफ चार किस्म के इंजन नज़र आ रहे हैं, और आप ये भी देख सकते हैं कि इन इंजन में आपको बाहर की तरफ नोजल नज़र आएगी, अंदर की तरफ आपके पास फ्यूल होगा, सॉलिड फ्यूल होगा, और इस पूरी सिलेंडर को हम मोटर केस कहते हैं। मैंने आपको बता दिया यहाँ पर हमारा इग्नाइटर है, और इस तरीके से यहाँ पर बहुत से कूलिंग वाटर सिस्टम्स भी यूज़ हो रहे होते हैं जो कि इस पूरी बॉडी को कूल कर रहे होते हैं, जिसे मैंने इस प्रेजेंटेशन में डिस्कस नहीं किया। आखिर में मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जब भी हम रॉकेट को स्पेस में भेजते हैं तो पहले हम रॉकेट को वापस सही हालत में लाने की कोशिश करते थे, और उसके लिए उसके अंदर एक पैराशूट छुपाया जाता है, और उस पैराशूट को एक ख़ास टाइम पर बाहर आना होता है और वो रॉकेट को वापस ज़मीन पर लेके आता है। तो जब आप रॉकेट ज़मीन से लॉन्च करते हैं तो रॉकेट आहिस्ता आहिस्ता फ्यूल के ज़रिए ज़मीन से ऊपर उड़ता जाता है, लेकिन फ्यूल कुछ अर्से के बाद ख़त्म हो जाता है। रॉकेट फ्यूल के बगैर ही थ्रस्ट की वजह से स्पेस में बिल्कुल ऐसे ही जैसे आप अपनी गाड़ी को एकदम बंद कर दें लेकिन आप ब्रेक ना दबाएं, तो आपकी गाड़ी रेस्ट में आते आते काफ़ी टाइम लगाएगी। बिल्कुल ऐसे ही रॉकेट अपने थ्रस्ट की वजह से, अपने मोमेंटम की वजह से ऊपर की तरफ मूव करता जाता है, और फिर ये बिल्कुल ऊपर जाता है, सैटेलाइट को लॉन्च करता है, और उसके बाद वापस ज़मीन की तरफ दोबारा सफ़र शुरू कर देता है। अब हम ये चाहते हैं कि जब ये बिल्कुल ऊपर चला जाए, यहाँ पर अपने वर्ज पर चला जाए, तो उस वक्त पैराशूट बाहर आ जाए। और उसके लिए मैं क्या टेक्नोलॉजी इस्तेमाल करूँगा, मैं एक सिंपल प्रेशर सेंसर लगाऊंगा। वो प्रेशर सेंसर ये देखता रहता है कि जो जो रॉकेट ऊपर जा रहा है प्रेशर कम होना चाहिए, क्योंकि हमारी एनवायरमेंट में जैसे ही हम ऊपर जाते हैं एटमॉस्फेयर में स्पेस की तरफ तो प्रेशर कम होता है, और प्रेशर कम होते होते जैसे ही रॉकेट वापस ज़मीन की तरफ आना शुरू करेगा तो प्रेशर एकदम ज़्यादा होगा। जैसे ही ये प्रेशर सेंसर ज़्यादा प्रेशर को डिटेक्ट करेगा पुरानी वैल्यू से, फौरन पैराशूट इजेक्ट हो जाएगा, और फिर ये रॉकेट पैराशूट के ज़रिए ज़मीन तक सही हालत में पहुँच जाएगा। मैं आपको यहाँ पर दिखा रहा हूँ कि आपके पास यहाँ पर प्रेशर सेंसर लगा हुआ जो कि अल्टीट्यूड को मेयर कर रहा है और उसके करस्पॉन्डिंग प्रेशर को भी देख रहा है। लेटेस्ट जो टेक्नोलॉजी है उसमें अल्टीट्यूड को भी मेयर किया जाता है और उसको निकाल दिया जाता है, लेकिन पहले हम प्रेशर सेंसर के जरिए काम करते हैं। यहाँ पर आपके पास अगर आप देखें तो यहाँ पर हमारे पास पैराशूट है, और जब हम एक स्पेशल जगह पर पहुँच जाएंगे, हाइट पर पहुँच जाएंगे, तो ये जो पैराशूट है, ये वाला पैराशूट जो है ये बाहर निकल आएगा। तो आप देखें कि यहाँ पर आपका रॉकेट जो है इसको हमने पीसीज में तकसीम कर दिया है और हमारे पास यहाँ पर पैराशूट बाहर आ गया, और यहाँ पर पैराशूट फुली फंक्शनल है, और अब ये पैराशूट इस रॉकेट को लेकर ज़मीन तक आ जाएगा। अब इस टेक्नोलॉजी को ज़्यादा इस्तेमाल नहीं किया जाएगा क्योंकि स्पेस एक्स ने हमें एक और टेक्नोलॉजी दी है जो कि आई है इलॉन मस्क की तरफ से, और उन्होंने रॉकेट को सही सलामत ज़मीन पर उतार कर दिखाया है। तो उस रॉकेट जाता है और जाके सेटेलाइट को छोड़ता है, और जैसे वो सेटेलाइट को छोड़ देता है स्पेस में, उसके साथ लगा इंजन और उसके फिन्स उसको गाइड करते हैं दोबारा
ज़मीन तक आने में उसको मदद देते हैं। तो रॉकेट पूरे तरीके से दोबारा लैंडिंग करते हुए ज़मीन तक पहुंच जाता है, फिन्स चेंज हो रहे होते हैं, उसका इंजन कभी चलता है और कभी बंद हो जाता है, उसका इंजन बीच बीच में स्टार्ट होता है, डायरेक्शन ठीक करता है, थ्रस्टर्स भी लगे होते हैं और फिर बंद हो जाता है। तो मैं आपको यहाँ पर एक तस्वीर दिखाता हूँ जिसे स्पेस एक्स ने रिलीज किया है और आप देख सकते हैं कि किस तरीके से एक रॉकेट वापस ज़मीन पर लैंड कर रहा है। अब इसे पैराशूट की ज़रूरत नहीं है। तो मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। ये वीडियो आपकी फरमाइश पर बनाई गई है। अगर आप और वीडियोस चाहते हैं तो नीचे कमेंट्स में लिख सकते हैं। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को पाकिस्तान में हर जगह पर पहुँचा दीजिए।